और जमशेदपुर से खबर है जहां पर गैंगस्टर हरेश सिंह की गिरफ्तारी पर 26 जून तक रोक लग गई है। जी हाँ, माफिया डॉन अखिलेश सिंह का गुर्गा है हरेश सिंह। सीताराम डेरा थाना की पुलिस जमा नहीं कर पाई है केस डायरी। पिछली बार 20 जून तक गिरफ्तारी पर लगी थी रोक। अप्रैल में हुए गैंगवार मामले में गिरफ्तारी पर लगी है रोक। गैंगवार मामले में एक पत्रकार को भी भेजा जा चुका है जेल। कवरेज करने के दौरान ये गए पत्रकारों को पुलिस कर रही थी प्रताड़ित। तो उपेंद्र सिंह अमित सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी है हरेश सिंह। उस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आनी अमृता हमारे साथ जुड़ चुकी है। आनी अमृता, इस पूरे मामले में हमने देखा है कि अब एक बार फिर से जो आरोपी है हरीश गैंगस्टर है उसकी गिरफ्तारी पर एक बताया जा रहा है कि फिर से रोक लग गई है। बिल्कुल अमिता, लगातार ये रोक चल रही है। इसके पहले जो है 10 जून को भी केस डायरी प्रस्तुत करना था सीताराम डेरा थाने की पुलिस को, लेकिन कोर्ट में केस डायरी प्रस्तुत नहीं की गई और इसका लाभ लेते हुए अधिवक्ता ने जब जोरदार बहस की तो इनकी गिरफ्तारी पर जो है वो 20 जून तक रोक लग गई। उसके बाद फिर जब अगली तिथि मुकर्रर हुई उस वक्त भी सीताराम डेरा थाना की पुलिस ने केस डायरी जमा नहीं किया, तो अब जो है ये 26 जनवरी तक ये रोक बढ़ा दी गई है। अपराधी हरीश सिंह खुलेआम मांगों में घूम रहा है अमिता, और इनकी जो हिस्ट्री रही है उपेंद्र सिंह हत्याकांड जो कोर्ट परिसर में गैंगवार हुआ था अखिलेश और परमजीत गिरोह के बीच में, उसमें उपेंद्र सिंह की हत्या हुई थी और जो शूटर का नाम आया था वो हरीश सिंह का। इस मामले में वो जेल भी गए थे और वो अभी हाईकोर्ट में जमानत पर रिहा है। अमित राय हत्याकांड में इनका नाम आया था, तो जितने गैंगवार हुए हैं शहर में तो ये अखिलेश के लगभग दाहिने हाथ माने जाते रहे, शूटर हैं, उनके गुर्गे हैं। उन पर पुलिस इतनी मेहरबान है कि केस डायरी अमित जमा नहीं कर रही है। और हैरानी की बात यह है अमिता कि लगातार सीताराम डेरा थाना की पुलिस जो है उन पत्रकारों को टॉर्चर कर रही है जो कवरेज करने गए थे। सीसीटीवी में वो पत्रकार भी दिखे हैं जो कवरेज करने गए थे। और 17 सालों के इतिहास में अमिता कभी भी पत्रकारों को पुलिस ने इस तरह से परेशान नहीं किया जिस तरह से इस मामले में पुलिस परेशान कर रही है। सवाल ये उठ रहा है अमिता कि हरीश सिंह जैसे हिस्ट्री शीटर को खुलेआम छोड़ देना, उसके पक्ष को मजबूती से नहीं रखना, उसको लाभ देना, इससे उसकी गिरफ्तारी पर रोक लग जाए कोर्ट में, और पत्रकारों को परेशान करना, कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस के पास पर्याप्त सबूत ही नहीं है इस मामले को लेकर जिस तरह की कहानी उसने बनाई है और वो इसलिए केस डायरी पेश नहीं कर पा रही है, या वास्तव में वो ऐसे अपराधियों को संरक्षण देना चाहती है और पत्रकारों को परेशान करना चाहती है। तो जमशेदपुर पुलिस की कार्यशैली पर बहुत बड़ा सवाल है अमिता कि वो अपना दिमाग अपराधियों के पीछे न लगाकर पत्रकारों के पीछे लगा रही है और ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है। अमिता, मैं आपको बता दूं कि इस गैंगवार मामले में एक पत्रकार को जेल भेजा जा चुका है, कवरेज करने गए पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है, और एक झारखंड के बड़े नेता के करीबी है एक व्यक्ति, उनके बेटा को मात्र कुछ घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। तो ये पूरी जो कार्यशैली है और ये जो मामला है, ये इस पूरे मामले में जो पुलिस की कार्यशैली चल रही है, जिस तरह से केस डायरी पेश नहीं किया जा रहा है, जिस तरह से हरीश सिंह जैसे अपराधी को लाभ मिल रहा है, पूरा सवाल खड़ा होता है अमिता। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।